लड़का तलाक दे देगा तो दूसरे से चक्कर है, यही वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है, कह तो रही है मेरा पति नहीं बन रहा है, तलाक दूंगी। सही हो जाती है जब कोई जाता है तो तलाक दूंगी, नहीं बन रहा है। आखिर कानून ने यही व्यवस्था रखी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक ले लो। तलाक है यही पत्नी पे भरोसा? ना 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 ना, पत्नी के साथ रहा। हमने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के या फेसबुक के माध्यम से अपने कई दोस्तों को जो पढ़ा रहे थे उनको मैसेज भेज के व्यक्तिगत रूप से इतला कर दिया है कि थोड़ा इस बात को ध्यान देना। अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसके इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी किसी से छुपी नहीं है। आप सबको पता होगा कि दोनों के बीच क्या हुआ, तलाक तक बात गई, यहाँ तक मारने की धमकी भी ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को दी, यानी अपने पत्नी को, अपने पति को। तो आज का न्यू अपडेट मैं बताता हूँ कि न्यू अपडेट क्या है इस कहानी में, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के केस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुश्किल में SDM ज्योति मौर्य, पति आलोक की शिकायत पर नियुक्ति विभाग की जांच शुरू। जाने पूरा मामला क्या है। लखनऊ में पति आलोक मौर्य से विवाद के चलते सुर्खियों में आई SDM ज्योति मौर्य पर अब एक नई मुसीबत गिरने वाली है। दरअसल नियुक्ति विभाग ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अब नियुक्ति विभाग यानी कि जो SDM के पद पर उन्हें तैनात किया था, अब वो जांच कर रहे हैं कि मतलब ये सही रूप से आई थी या घूस दो के आई थी। दरअसल नियुक्ति विभाग ने उनके खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। मामले नौकरी के दौरान पैसे का लेन देन है, कहने का मतलब ये कह रहा जा रहा है नौकरी के विभाग का कि ये जो नौकरी उन्हें SDM को मिली है वो पैसे के लेन देन से हुई, यानी कि उन्होंने घूस दिया है। आलोक ने ही ज्योति के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। अब ये शिकायत किसने दर्ज कराई है? आलोक ने लिखवाया कि वो अपने मतलब उनकी जो जॉब मिली है उसमें उन्होंने ज्योति मौर्य ने घूस दिया है। पति से विवाद के चलते सुर्खियों में रहे SDM ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नियुक्ति विभाग ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिया, मैंने आपको बता दिया हूँ। अनियमित लेन देन संबंधित शिकायत की गई है, यानी कि मतलब SDM के पद पर जब वो तैनात हो गई उसके बाद अनियमित यानी गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोगों से वो पैसा वसूलती थी। इस पूरे मामले में प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत करेंगे। आदेश मिलते ही पंत ने अपने स्तर से जाँच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। यानी कि कभी भी ज्योति मौर्य के ऊपर तलवार लटक रहा है, कभी उनकी पद जा सकती है। इसमें प्रयागराज की ADM प्रशासन वहीं SDM पोस्ट को भी देखा गया है। ज्योति मौर्य हाल ही में होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे के साथ अफेयर की खबर उनके लेकर काफ़ी चर्चे में रही थी। इस पर उनके पति आलोक मौर्य ने कई फोरम पर शिकायत की है। इसमें नियुक्ति विभाग को भेजी शिकायत के अनियमित लेन देन के भी जिक्र किया है। लिखित शिकायत में बताया कि ज्योति ने अपनी नौकरी के दौरान लाखों रुपये का लेन देन किया जिससे भ्रष्टाचार फैला है। कहने का मतलब क्या है, आलोक मौर्य ने शिकायत किया था, FIR में लिखवाया था कि उनकी पत्नी अवैध रूप से बहुत सारे पैसे वसूलती हैं, लाखों में प्रति महीना कम से कम वो 15-20 लाख रुपया फर्जी वसूलती थी लोगों से अवैध तरीके से। तो उसने मतलब FIR में आलोक मौर्य ने दर्ज कराया है जिसकी जांच हो रही है और 100% 90% सही पाया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कभी भी ज्योति मौर्य की नौकरी जा सकती है। वहीं मनोज दुबे की भी चैट और व्हाट्सएप शेयर से ये सब सही पाया गया है। अब शासन ने कहा कि उन्हें कभी भी मतलब हटाया जा सकता है। अब यहाँ तक बात की योगी पोर्टल तक, ये बात मतलब FIR योगी पोर्टल पे भी चली गई है। अब इस बार सुनवाई में जब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सुनवाई करेंगे तो ज़रूर उन पे कुछ ना कुछ होगा, अब आलोक ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर। तो याद रखिएगा, अगले हफ्ते में बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ सकती है कि दोनों को अपने पद पर हटाया जा सकता है और करीबन सजा भी 5 साल की हो सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सही है, ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य।